हेलो दोस्तों, वेलकम ऑनलाइन वर्ल्ड चैनल। तो आज हम जो आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो जी, हमारे पास लॉक है पुराना वाला। अगर आपके पास ऐसा वाला कोई भी लॉक हो, तो अगर वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, अगर वो जी देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसकी चाबी घुमाते हैं, तो ये ना तो लॉक होता है, ना तो कोई फुली ओपन हो रहा है, क्योंकि इसमें जंग लग गया है, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे, जी आपको बता देते हैं। आपके पास कोई भी लॉक हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपनी हैरिसन का लॉक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये लिखा है, ये हैरिसन का लॉक है। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा सा बॉक्स ले लेना है, ठीक है। तो बॉक्स के बाद आपके पास होना चाहिए पेट्रोल। ये देखो, हमने पेट्रोल लेके रखा हुआ है। तो हम इसमें सबसे पहले अपने लॉक को डालेंगे ऐसे करके, तो उसके बाद पेट्रोल डालेंगे धीरे धीरे, ताकि ये साफ हो सके। तो इसका प्रोसेस आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप समझ सकें कि आपको लॉक कैसे रिपेयर करना है। तो इसको अच्छी तरह से आपको हिलाना है पेट्रोल डाल के, क्योंकि इसके हर एक पुर्जे तक पेट्रोल पहुँचे, ताकि ये अच्छे से थोड़ा वर्किंग करे और इसकी जो जंग लगा है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। ये देखो आपको कैसे गंद दिखेगा निकलता हुआ। जो भी आपने बर्तन लिया होगा उसमें, तो फिर से मैं पेट्रोल डाल देता हूँ। तो उसको घुमा के देखते हैं। दे देखो, थोड़ा बहुत साफ हुआ है, लेकिन इतना हुआ नहीं अभी, थोड़ा बहुत हुआ है। तो ये देखो, घूमना शुरू हो गया, अभी फिर से लॉक हो गया। एक बार इसको पेट्रोल में डुबा देते हैं जो हमने डाला था। अभी तो पूरा वर्किंग में नहीं है, तो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था लॉक, तो टाइम लग जाएगा इसको। आप पूरा प्रोसेस देखें, आपके पास भी ऐसा पड़ा हुआ हो सकता है, तभी आप प्रोसेस समझ पाएंगे। ये देखो, अभी लॉक हुआ है जी, लेकिन इतना प्रॉपर वर्किंग में अभी भी नहीं है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे लाना है प्रॉपर में। सेम ऐसा ही प्रोसेस अपने पेट्रोल डाल के करना है अपने। तो चलिए, मैं बॉटल को बंद कर देता हूँ पेट्रोल वाली को, क्योंकि हमारे पास ये पेट्रोल बहुत है इसके लिए। मैं पेट्रोल को वेस्ट नहीं करेंगे। अब थोड़ा घुमा के देखते हैं इसको, आसानी से खुल रहा है बट लॉक नहीं हो रहा। आसानी से खुल तो रहा है आसानी से, लेकिन लॉक नहीं हो रहा। अभी थोड़ा और साफ करना पड़ेगा। आपको ऐसे क्लॉक वाइज इसको घुमाना है दोनों तरफ से। इसको उल्टा करके रखना है मुझे लॉक करके, क्योंकि लॉक के बिना चाबी इसकी चलती नहीं है। उल्टा घुमाना है इसको राउंडिंग क्लॉक वाइज। वीडियो में बने रहें, तभी आज
समझ पाओगे कि ग्लास को आप कैसे रिपेयर करना है। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कितना गंद हो चुका है, क्योंकि जो सारा इसके बीच से निकला है, क्योंकि जितना इसके बीच से जो इसका जंग होगा सारा साफ होगा, तभी जो प्रॉपर वर्किंग में आ पाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा नहीं है। तो कई बार होता है कि हम हमारा लॉक नहीं होता है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं मैडम, तो हमारा वो प्रॉपर वर्किंग नहीं आता, तो हमारी की भी उसको लॉक कर करके टेढ़ी हो जाती है। तो उसको प्रॉपर वर्किंग का में लाने के लिए बस आपको यही प्रोसेस करना है। कितनी आसानी से खुला है, तो ये खुल भी नहीं रहा था, अभी थोड़ा इसको अंदर बार घुमाना पड़ेगा। अगर कोई भी लॉक आपका नहीं होता तो उसको अगर आपने पेट्रोल में भिगा रखें तो पहले सबसे पहले आप इसको दबाएंगे ऐसे करके, थोड़ा आगे आएगा, फिर इसको आप पी को दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये रिपेयर करने का टाइम सिर्फ 10-12 बार ऐसे करना है, तभी आप इसका प्रॉपर वर्किंग नहीं ला पाएंगे इसको, क्योंकि ये बहुत दिनों से ऐसे ही बंद था। इसको हमें इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ेगा, इसमें डुबा लेते हैं, इससे ही हो जाएगा ये। अब इसको घुमाना है, देखो कैसे ये बर्ती में आ गया है धीरे धीरे। यही इतना हार्ड था, लेकिन जैसे कितना आसानी से लॉक हो रहा है, लग नहीं रहा कि जब पुराना था, बिल्कुल नया था लग रहा है आराम से दो उंगली से। देखो पहले इतना हार्ड था, लेकिन अभी हमारा रिपेयर होने के बाद इतना आसान हो गया। अभी इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको फिर से इसको डुबोना है खुलने के बाद भी, एक बार अच्छे से धो लेना है इसको। एक बार मैं इसकी की निकाल लेता हूँ, बिल्कुल धो लेते हैं, तो अच्छे से धो लेना है। ये हमारा प्रॉपर वर्किंग में हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा इसका प्रोसेस ओवर है, तो वो भी इसको देखें आप, क्योंकि आपको तो अगर वो आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो ये फिर से आपको प्रॉब्लम देगा। प्रोसेस कर लिया तो आराम से जितना टाइम आपका नया लॉक निकालता है बारिश में, उतना टाइम ये भी निकाल देगा। ठीक है, ये अच्छे से साफ हो गया। तो इसका हमने सारा पेट्रोल निकाल देना है,
हो सके तो उसको कपड़े से साफ करना है, ठीक है। तो मैं कोई भी कपड़ा लेके इसको साफ कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ वो खोल के, तो बंद करके देखो आसानी से बंद हो रहा है, तो आसानी से खुल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं साफ करके फिर आपको वीडियो आगे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना गंद निकला हुआ है, ये देखिए, तभी तो ये रिपेयर हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता था। उसको हम साइड पे रख देते हैं, तो अभी लॉक को हम साफ कर लेते हैं अच्छे से। कोई भी पुराना कपड़ा लेके आप इसको साफ कर लें। देखो कैसा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो अब जो इसका लास्ट प्रोसेस बता दो वो आपको मैं बता देता हूँ, तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। तो सबसे पहले आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल लेना है, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद जो इसका जो साइड वाला है इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है ऐसे करके, ठीक है। 5-6 बूंद डालनी है इस साइड, तो 5-6 इस साइड, जितना आपको लगेगी इसमें बाहर ही आना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बैक साइड की के इधर भी डाल लेते हैं 1-2 बूंद, ठीक है। तो की के पहले की को ला कर लेते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं की को, तो इधर भी डाल लेनी है आपको 1-2 बूंद, क्योंकि ये सारा प्रोसेस पूरे इसके सर्कुलेट में हो जाए। अगर एक्स्ट्रा आपको तेल बाहर दिखता है तो उसको आपको सॉफ कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ही रहना चाहिए तेल, बाहर हमको चाहिए नहीं। तो इसको अब हमने ऐसे घुमा लेना 5-10 बार, क्योंकि इसका तेल है जो हमने इसमें ऑयल डाला है मस्टर्ड ऑयल, वो पूरा हो जाए इसमें, ये देखो बिल्कुल ऐसे आराम से हो रहा है, आराम से, जी रहा पता नहीं चल रही। तो इसके बाद आपको अगर ऐसे आपको इसको धूप में रखना है, क्योंकि तो धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको धूप में रखते हैं। देखो जहाँ पे धूप सामने लग रही है तो हमने इसको धूप में रख दिया है, तो उसको कम से कम आधे घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है, ठीक है। फ्रेंड्स देख सकते हो हमें लॉक अपना धूप में से उठा चुके हैं, तो उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं पहले। ये कितना ही आसानी से ओपन हो रहा है, ये हमने चाबी लगाई, ये देखो बहुत ही आसान से तरीके से ओपन होगा, आसान तरीके से ही बंद भी हो जाएगा, ये देखो। आप भी ऐसे ही अपने लॉक को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको रिपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके उसको बताएं, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेते आता रहता हूँ, तो आपको हर एक वीडियो आपके तक पहुँच गए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।